प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दौसा की ये अनूठी पहल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को एक नई ऊर्जा देने वाली है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रभावी बनाने के लिए दौसा में अनूठी पहल की गई है। इस पहल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें गर्भ धारण करने वाली महिलाओं का सम्मान करने के साथ साथ उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी भी दी जाती है। दौसा जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 7 माह की गर्भवती महिला का गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों से गर्भवती महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होता है। मेरे को हर महीने पोषण की सुविधा उपलब्ध है और मोदी जी ने जो योजना चला रखी है उसमें मैं रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उससे मेरे को डिलीवरी के टाइम पे सुविधा उपलब्ध होती है और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा बच्चा 10 महीने का हो गया है। इससे पहले 10 महीने पहले, वो साल भर पहले जब मेरी गोद भराई हुई थी तब से और अब तक मुझे काफ़ी अच्छा पोषाहार भी मिल रहा है, हर महीने उपलब्ध होता है और मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा भी स्वस्थ है और अच्छा पोषण मिल रहा है हर बार। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, इससे सबको ही बहुत अच्छा लाभ हुआ है। इस गोद भराई कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्र की ओर से गर्भवती महिला को फूल माला पहनाई जाती है, उसे शगुन के रूप में पताशा खिलाकर मुंह मीठा कराया जाता है और नारियल भी दिया जाता है, साथ ही उसे मंगल तिलक लगाया जाता है। इस गोद भराई कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में मौजूद अन्य महिलाओं द्वारा मंगल गीत भी गाए जाते हैं। जो भी गर्भवती महिलाएं उनकी गोद भराई होती है उनको गोद भराई के अनुसार, गोद भराई के हिसाब से उनको आयरन टैबलेट वगैरह जो भी है, पोषण किट वगैरह, उनसे उनको काफ़ी सुविधा होती है और एक तरीके से उत्साह बढ़ता है। वार्ड की महिलाएं आती हैं, वो जागरूक होती हैं ANC के प्रति और प्रेगनेंट टाइम पे जो उनको मातृ वंदन हम ये दिलाते हैं 5,000 रुपये जो भी है, तो उनसे क्या है कि उनको प्रेगनेंट से पहले खाने पीने जो भी है आयरन वगैरह बाजार से और भी लाने की अच्छी सुविधा है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, उनके इस ट्वीट से हमको बहुत अच्छा लाभ मिला है और उन्होंने हमारे कार्य को सराहना किया, तो उनके लिए भी हमको धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे ही हमें पता चलता है हमारे वार्ड में सर्वे के अनुसार कि कोई गर्भवती महिला है, तो उनका हमें पता चलते ही हम हमारे केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ उनका हम PMBY में उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। गोद भराई का ये प्रोग्राम है, हम महिलाओं को गोद भराई का उनका उत्साह बढ़ाने के साथ साथ हम उन्हें जानकारी भी देते हैं महिलाओं को कि आपको संपूर्ण आहार खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, टाइम टू टाइम आयरन की गोलियां खानी चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। दौसा जिले में गोद भराई कार्यक्रम की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। दौसा की इस अभिनव पहल की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की है। दौसा से BJP के सांसद जसकौर मीणा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने संपूर्ण भारत में असंख्य महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृ वंदन योजना एक ऐसी सक्षम योजना है, एक ऐसी योजना है जो प्रसव पूर्ण और प्रसव पश्चात माताओं को सक्षम करने के लिए, माताओं के सम्मान के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। इसी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दौसा के सहयोग से हमने गर्भवती माताएं जो 7 माह और 8 माह पूर्ण कर चुकी थी गर्भ धारण के, उनका सम्मान और उनकी वंदना और उनको हमने सम्मान देने के लिए गोद भराई रस्म का एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत मैं अनुभव करती हूँ कि संपूर्ण भारत में यदि हम इस तरह से प्रसव पूर्ण और प्रसव पश्चात माताओं का पूर्ण ख्याल रखते हुए उन्हें अवेयर करें, उन्हें सावधान करें उनके स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, ताकि वे एक सही रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हुए स्वयं स्वस्थ रह सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में इस अनूठी पहल ने दौसा जिले में गर्भवती महिलाओं के आत्मविश्वास को कई गुना कर दिया है।
दौसा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।